आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सोना जी शराब, एक तो मेरी फाइल खराब कर दी, सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो। सॉरी क्यों बोलूं मैं? इट वाज नॉट माय फॉल्ट एंड डोंट शाउट एट मी ईशान। सोना यू डोंट शाउट एंड डोंट टॉक टू मी। इवन यू डोंट टॉक टू मी देन। तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं मैं। नीदर एम आई डाइंग या? जाओ ना, एक काम करो, पिलो भी लेके चले जाओ। भाभी क्या हुआ, इतनी रात को आप खुशी के साथ क्या कर रही हैं यहां पे? ईशान देखो ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है, सो ही नहीं रही है, बिस्तर पर रखते ही रोने लगती है। एक बार मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ईशान मैं नहीं सुला पा रही हूँ इसे, तुम क्या सुलाओगे? भाभी ट्रस्ट। दो ही तो आंखें हैं और वो भी आपस में मैच नहीं कर रही है। तो तुम क्या चाहती हो, बाहर जाके दूसरी भी फड़वाऊं? तो किसने कहा था कि इस उम्र में जाकर आप बॉक्सिंग करो? इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आज भी एकदम फिट हूं मैं। वो तो कुर्ते में मसल्स नजर नहीं आते, वरना कॉलेज के जमाने में 3 साल तक लगातार बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूं मैं। हाँ इसीलिए ना, इसीलिए एक छोटे से बच्चे से घूसा खा के आ गए आप। देखिए ना कैसे सूझ रही है आप। अरे ये सब तुम्हारी बहु सुहाना कश्यप की वजह से हुआ है, खानदान का झंडा लिए घूम रही है, उसी ने तो करवाया है सब। एक मिनट, आप मेरी बहू की बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या किया उसने? अरे उसी ने करवाया सब कुछ, पंचिंग बैग बना के रख दिया मुझे। बोलती पापा आपको पंच मारना नहीं है, सिर्फ पंच खाना है, वरना ये दीपक जैसों को तो मैं फूंक मार के उड़ा दूं। यस सर। हाँ सर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। हाँ सर मैंने ऑफिस में बैठ के कर लिया था। हाँ वो सारे प्रिंट आउट्स निकाल लिए मैंने। सर डोंट वरी, मैं ये फाइल लेके सीधा वहां पे पहुंच जाऊंगा। यस सर, या ओके थैंक यू सर। सुहाना क्या बचपन है, पता नहीं क्या करे जा रही हो कब से। अरे डम्बो मैं दीपक को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ और मैं उसकी कोच हूँ, तो कोच को भी तो थोड़ा फिट होना चाहिए कि नहीं। ईशान कम ऑन। नहीं अरे सुहाना देखो, सुहाना मैं बहुत थक गया हूँ और कल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्या थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। हाउ बोरिंग। अरे खुशी जग गई, क्यूटी पाई, भूख लगा है? रुको मैं अभी तुम्हारे लिए मिल्क बना दूँ। सुहाना एक काम करो, मुझे कबर्ड की चाबी दो, ये फाइल उसी में रख देता हूँ। चाबी? छी मेरे कीज बोलो। हाँ बाबा कीज, चलो जो जल्दी दो। इसमें बड़ी ड्रॉम है। ईशान बिशु। हेलो यस सर। हाँ सर वो कंपनी के लेटेस्ट प्रोफाइल मैंने अपडेट कर दिए थे। हाँ सर। खुशी माय बेबी तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगी, आई विल मेक यू अ चैंपियन। डोंट वरी, इट्स गोना बी अ माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिलेगा, आई अश्योर यू। ओके किया तुमने, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सुहाना कल मेरा प्रेजेंटेशन है डायमंड। मुझे कैसे पता ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है? मैं मिल्क बना रही थी खुशी के लिए और एक्सीडेंटली मेरे हाथ से छूट गया। और कल सुबह 10 बजे मेरा प्रेजेंटेशन है सुहाना। ईशान रियली आई डिड नॉट नो, ट्रस्ट मी मैंने
एक्सीडेंटली हो गया, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. सुहाना, फॉल्ट तुम्हारा ही है. इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? Have you gone blind? हाँ, इतनी बड़ी फालतू में नजर नहीं आई. इशांत, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया. खुशी को भूख लगी है. तुम खुशी, अब खुशी बीच में कहाँ से आ गई? मैं फाइल की बात कर रहा हूँ. इशांत, आई नो तुम खुशी से जलते हो, कोई बात नहीं, बट जस्ट सुहाना, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ. सुहाना, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से. मेरी फाइल खराब हो गई और तुम्हें परवाह ही नहीं है. इशांत, डोंट शाउट ऑन मी. इतनी छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? मिल्क भी तो गिर गया ना, मुझे वापस बनाना पड़ेगा, तो तुम भी प्रेजेंटेशन दोबारा बना लो. क्या? मैं प्रेजेंटेशन फिर से बना लूं? दूध बनाने में और प्रेजेंटेशन बनाने में तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता क्या? इशान, इट्स मिल्क एंड जस्ट रिलैक्स. तुम रिलैक्स हो जाओ, जस्ट सिट. तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाने में मैं हेल्प करूंगी, ओके? जस्ट चिल नाउ, जस्ट शट अप. मेरे लैपटॉप में इस फैसिलिटी नहीं है कि मैं घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन बनाऊं. मुझे कल ऑफिस फिर से जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और फिर 10 बजे मैं मीटिंग में जाऊंगा. तो मीटिंग पोस्टपोन कर दो ईशान, कीप इट इन आफ्टरनून में रख लो. सोना जी, शराब. एक तो मेरी फाइल खराब कर दी, सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो. सॉरी क्यों बोलूं मैं? इट वाज नॉट माय फॉल्ट एंड डोंट शाउट ऑन मी ईशान. सोना, यू डोंट शाउट एंड डोंट टॉक टू मी. इवन यू डोंट टॉक टू मी देन. तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं मैं. नीदर एम आई डाइंग. या जाओ ना, एक काम करो, पिलो भी लेके चले जाओ. गॉड, खुशी, डोंट क्राई, आई एम सॉरी. डोंट क्राई, मैं वापस मिल्क बना देती हूँ. डोंट क्राई. ओह गॉड, सॉरी 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 सॉरी. प्रेजेंटेशन है मेरा, मैं क्या करूंगा मैं? ला 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 ला. सो जा मेरी बच्ची, पता है सपने में गुब्बारे मिलेंगी, टॉफियां मिलेंगी, खूब सारी टॉफियां खुशी के लिए. माँ बाप भी बच्चों को बचपन से ही झूठे सपने दिखाते हैं. भाभी, क्या हुआ? इतनी रात को आप खुशी के साथ क्या कर रही हैं यहाँ पे? ईशान, देखो ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है, सो ही नहीं रही है, बिस्तर पर रखते ही रोने लगती है. एक बार मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ. ईशान, मैं नहीं सुला पा रही हूँ इसे, तुम क्या सुलाओगे? भाभी, ट्रस्ट. ठीक है, ये लो. ओ, ओ, खुशी, खुशी बेटा. खुशी, देखो मैं कौन हूँ. ईशान चाचू. हाँ. खुशी, देखो अभी जितनी नींद मिल रही है ना, वो बहुत अनमोल है. बाद में जिंदगी की भागदौड़ में इतनी अच्छी नींद किसी को नहीं मिलती. इसी बच्ची को क्या सिखा रहे हो? लाइफ की सच्चाई बता रहा हूं. ईशान, तुम सोए क्यों नहीं अब तक? सुहाना से झगड़ा हुआ? भाभी, आपको पता है सुहाना ने क्या किया है आज? सुहाना ने मेरी इंपॉर्टेंट फाइल खराब कर दी है. अब सुहाना की वजह से मुझे ऑफिस फिर से जाना पड़ेगा, सारे प्रिंटआउट्स निकालने पड़ेंगे और तब जाके मैं मीटिंग में जा पाऊंगा. सुहाना को किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस का कोई एहसास ही नहीं है. ओहो ईशान, सुहाना ऐसी है, तुम तो जानते हो, फिर क्यों बेकार में गुस्सा हो रहे हो? वाह, सुहाना ने गलती की और मैं गुस्सा भी ना करूं. अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि सुहाना ने गलती की, गलती करके सॉरी भी तो बोलना चाहिए ना. पर नहीं, सॉरी बोलने के बजाय मैडम मुझसे बहस कर रही थी. अच्छा, अब हो गया. पति पत्नी के बीच सॉरी, थैंक यू जैसे शब्द बेमानी होते हैं. एक काम करो, गुस्सा छोड़ो और जाओ, जाकर सो जाओ. नहीं भाभी, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा. तो क्या सारी रात यहाँ आंगन में टहलते रहोगे? अच्छा एक काम करो, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, मैं राधा बुआ के कमरे में सो जाऊंगी. ठीक है?
खुशी को लौट दो मुझे। अरे बच्चों, आराम से। प्यार आ रहा है तुम्हें? प्यार तो तुम पे हमेशा से आता है। झूठ, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वक्त खुशी 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 करती रहती। कौन? मैं? तुम? छोड़ो ना, अभी क्या शिकायत है। अरे ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तुम्हारे गाले से वो सूखे सूखे क्यों है? अरे वो शेव नहीं किया था। शेव कब से करने लगी हो? 10 साल से। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।